बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखे बहुत ज़बरदस्त बेकिंग स्टाइल में फ्राई किए हुए हमने स्नैक्स तैयार किए हैं। इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, यकीनन आप इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे, लाजमी इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चले इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप हमने मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक शामिल करते हैं, 1 टेबलस्पून बारीक चीनी साशे यीस्ट का शामिल करते हैं, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं। हल्के नीम गर्म पानी से हम डो जो है वो गूंद लेते हैं। डो हमने गूंद लिया है, इसको हमने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया और इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन हम राइज होने के लिए गर्म जगह पे छोड़ देते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालते हैं, 1 कप बॉयल्ड शेडेड चिकन, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी और इन दोनों चीज़ों को ऑयल में हल्का सा सोते करते हैं। मसाले शामिल करते हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। 1/2 कप हमारे पास चिकन स्टॉक है, अभी जो हमने चिकन बॉयल किया था उसमें से ये यखनी बच गई है, उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा चिकन में डाल के तो इसको कड़ा होने तक पका लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से फिलिंग हमारी तैयार है, फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट पे निकाल देते हैं। मौसम आजकल ठंडा है, वैसे डो जो है वो बहुत देर से राइज होती है। देखिए मैंने इसको हॉट पॉट में रखा था, माशाल्लाह से देखिए 1/2 घंटे में डो जो है वो इतनी अच्छी राइज हो गई है। ये देखिए अब मैं इसको निकालती हूँ और आपके सामने स्नैक्स जो है वो तैयार करते हैं। छोटे छोटे से पीस लेकर इस तरह से तो छोटे छोटे से हम बॉल्स जो है इसके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लंबी शेप में थोड़ा सा बेल लिया है, हाफ साइड पे हम इसको इस तरीके से कट लगा देते हैं। इस साइड पे जो हमने फिलिंग तैयार किया वो फिलिंग रखते हैं, ये साइड उठा के इसको अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। थोड़ा सा हमने दूध लिया और 1/2 कप हमने सफ़ेद तिल लिए हैं, दूध से हम इसको अच्छे तरीके से गीला कर लेते हैं चारों साइडों से इस तरह से घुमा के। स्नैक्स को उठा के तो हम तिल में इस तरीके से रोल करेंगे कि ऊपर ऊपर किनारों पे जो है वो तिल आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से तिल लगा के स्नैक्स जो है वो तैयार हो गए हैं। बकाया भी सारे मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह से स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं, कुछ मैंने इस तरह के बंस की शक्ल में तैयार किए हैं, कुछ इस तरह से स्प्रिंग्स की शक्ल में तैयार किए हैं। चलिए अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने फ्राई करने के लिए पैन में डाल लिया, ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला क्योंकि डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है, अब मैं इसको निकालती हूँ, जो हमने बंस तैयार किए हैं वो भी हम फ्राई करते हैं। इनको भी मीडियम आंच पे दोनों तरफ लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते हैं। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ गया, इसको भी मैं स्ट्रेनर में निकालती हूँ और फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारे चिकन स्प्रिंग की शेप में बने हुए ये स्नैक्स जो हैं वो तैयार हैं, बिल्कुल बेकिंग वाली लुक आ रही है। अगर मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अंदर से लुक ऐसी आ रही है जैसे हमने इसको बेक किया है और बिल्कुल सॉफ्ट भी और चिकन भी इतना ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, इसको बहुत इंजॉय करेंगे। उम्मीद आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।